अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं, हम खड़े हैं अमृत नगर में, जो प्रख्यात दरगाह है, बड़ी फेमस सरकार सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के नाम से जाने जाने वाला ये पूरा परिसर, दरगाह, दरगाह मस्जिद, कब्रस्तान। तो दरगाह और मस्जिद को लग करके ये सटा हुआ मैदान अभी आप देख रहे हैं। ये मैदान पिछले कई वर्षों पहले एक तालाब हुआ करता था, इसे फखरुद्दीन शाह बाबा का तालाब कहकर ही पुराने लोग जानते हैं। इस ज़मीन का सर्वे नंबर जो है वो 84, 85, 90 और 96 है। इस ज़मीन पर जो है अब मनपा ने मिट्टी भरनी करना और यहाँ पर बाउंड्री बनाना, उस पर जो है ग्रिल लगाने जैसा काम शुरू किया है। और जमीतुल मुस्लिमीन मुमरा, जो सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह, मस्जिद और कब्रस्तान, इन सब की देखभाल करती है। सारा कामकाज जो है जमीयत के अंडर में चलता है, जिसके अध्यक्ष जो है यहाँ के पूर्व महापौर नईम खान साहब हैं। हमने इस मुद्दे पर, ज़मीन का जो एक मामला चल रहा है, ये कहा जाता है कि ये ज़मीन दरगाह ट्रस्ट की ज़मीन है, दरगाह मस्जिद ट्रस्ट की ज़मीन है, लेकिन मनपा ने इस पर अचानक काम कैसे शुरू किया, इसको लेकर के भी विवाद है, लोगों में इसको लेकर के आक्रोश भी है। इसी बात को देखते हुए जमीतुल मुस्लिमीन ने पहले तो इस ज़मीन की जो सुरक्षा की थी, अब इस पर जो है दरगाह ट्रस्ट की तरफ से अपना दावा बोला है। उसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय से, तहसीलदार से, रेवेन्यू अथॉरिटी से, सब जगह उन्होंने पत्र व्यवहार किया है, सब जगह अपना हक उन्होंने दायर किया है अपने अर्जियों के ज़रिए कि यह ज़मीन हमारी है, इस पर होने वाला काम जो है वो रोक दिया जाए। ऐसा पत्र भी उन्होंने मनपा आयुक्त और यहाँ के सहायक आयुक्त को दिया है। अब ये कानूनी लड़ाई का रूप अख्तियार कर लेगा पूरा मामला, मगर इस मैदान को लेकर के क्या कहना है जमीतुल मुस्लिमीन के सदर अध्यक्ष नईम खान साहब का, जमीतुल मुस्लिमीन के लीगल एडवाइज़र हैं शमीम अहसन साहब, इन दोनों ने क्या कहा आप सुनिए। और ये मैदान जो दरगाह और मस्जिद से सटा हुआ है, आज ये क्या अहमियत रखता है और ये क्यों होना चाहिए और क्यों दरगाह मस्जिद ट्रस्ट को मिलना चाहिए, इस पर भी जो है आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। नईम खान साहब, ये सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह और मस्जिद से सटा हुआ जो मैदान है, जिसे मुमरा में पुराने तालाब के तौर पर जाना जाता है, क्या इस ज़मीन की सच्चाई है? आज मनपा वहाँ पर भरनी का काम कर रही है, स्थानीय नगर सेवक की भी उसमें मतलब कहते कि कोई भूमिका है, तो क्या पूरा इस ज़मीन का मामला है? और आप जमीतुल मुस्लिमीन के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, तो इस ज़मीन के ताल्लुक से आप जमीयत की तरफ से क्या कदम उठा रहे हैं? जमीयत की तरफ से जो कदम मैंने उठाया है वो तो लिख के दिया है, आपको भी एक कॉपी दी हुई है। और ये 2.5 एकड़ का ये तालाब था, इसका नक्शा भी है मेरे पास, सरकारी नक्शा है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे घर का नक्शा है, सरकारी नक्शा है। लेकिन कुछ प्रीवियस जो नगर सेवक थे उन्होंने इल्लीगल बिल्डिंगें बनाई, फिर उसके बाद हमने ये बिल्डिंगें स्टॉप करवाई कि भैया ये हमारे कुछ काम का है, या फिर आप हमको वो तोड़ के दीजिए, जो 3-3.5 एकड़ जो नाइजाज कब्जा है, बिल्डिंगें आ गई हैं सामने, जो 5 एकड़ पुरानी ईदगाह तो वो तोड़ने की जगह आप हमारे को कम से कम ये जगह छोड़ दो उन्होंने जी। तो सब ने ये तय किया कि भाई इसको छोड़ दो। अब ये जो नए नगर सेवक हैं उन्होंने आन के ये गार्डन बना देंगे, ये बना देंगे, स्टेडियम बना देंगे, ये बना। अब आप स्टेडियम बनाओ या गार्डन बनाओ या दरगाह है, मस्जिद है, एक फसाद का घर है, जड़ है, आप कोई म्यूज़िक भी बजाएगा, रेडियो भी बजाएगा, डीजे भी बजाएगा, कोई फंक्शन भी होगा, उसके लिए हमेशा एक झगड़े का झड़े। और ये 25-30 साल से हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं, हमारे देख रेख के अंदर ये चीज़ हमने बचाई नहीं, तो आप तो खुद जानते हैं कि आज तो नाले पे दुकानें ठोक देते लोग, इतनी बड़ी जगह कौन बचा के रखेगा। उसका नाजायज फ़ायदा जो इन्होंने उठाया है वो हमने सरकार से मांगी हुई है जगह, और ये हमारे को आप ये कब्रिस्तान के लिए दे दो, ईदगाह के लिए दे दो, जो हमारे को आप दे दो, इसकी यूटिलाइजेशन हम बिल्कुल अच्छी करें, उसके हमने कार्रवाई करी। और हमारे जैसे लीगल एडवाइज़र है जमात के शमीम भाई, हमने वो तलक तैयारी करी है, अगर सुनवाई नहीं हुई हम इसके सिलसिले में हाई कोर्ट तलक जाएंगे, छोड़ेंगे। शमीम अहसन साहब, ये दरगाह मस्जिद को लग करके जो तालाब वाली पुरानी ज़मीन है, एक तरह से इसे लोग ट्रस्ट की ही ज़मीन मानते हैं कई सालों से, लेकिन अब यहाँ पर मनपा ने कुछ एक्टिविटीज शुरू कर दी है, भरनी वगैरह की जा रही है, तो क्या कानूनी नौइयत है, इसकी स्टेटस क्या है, और जमीयत की तरफ से इसके लिए क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है? दरअसल ज़मीन जो है हेरिटेज ज़मीन रही है, पहले तालाब था ये। अच्छा। लोगों ने उस पर भरनी वगैरह करके उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, जमीतुल मुस्लिमीन ने कब्ज़ा रोकने के लिए उसकी देखरेख शुरू कर दी,
और तकरीबन जो भी ज़मीन बची हुई है वो सिर्फ जमीयत मुस्लिमीन ही की वजह से बची हुई है, ताकि वो उस पर वरना वो दूसरों का कब्ज़ा हो जाता है। हमने वो ज़मीन देखने से देखी, वो हम ज़मीन के जो पब्लिकली पर्पज़ के लिए हमारे काम आए, कब्रिस्तान हमको 5 एकड़ 33 घंटे अलाट हुआ था 1950 में, जो आप अगर सर्वे कर लें मुश्किल से 2.25 एकड़ ज़मीन बची हुई, सारी ज़मीन लोगों ने कब्ज़ा कर ली। अब कब्रिस्तान की जगह है ही नहीं, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है मुमरा की, उस तरह से कब्रिस्तान बहरहाल नहीं हमारे पास, लोग मरते भी हैं। अब ज़ाहिर है कि दफनाने के, अभी जैसे खान साहब ने बताया कि महीने में तकरीबन 70 से 80 मैतें आती हैं। अब हम जिस तरह मैनेज कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। 2.25 एकड़ में हम 1950 से चला रहे हैं काम अपना, उस वक्त आबादी कम थी, लेकिन आज आबादी का रेशो आप खुद जानते हैं आबादी कितनी हो चुकी है। तो ये ज़मीन जो हमने अपनी देख रेख में रखी थी, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि कल कब्रिस्तान का शॉर्टेज जब हो तो कब्रिस्तान के लिए एक जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट जगह हमारे इस्तेमाल में आ जाए, ताकि कब्रिस्तान का जो एक शॉर्टेज जैसे कब्रिस्तान में हो रहा है, 6-6 महीने कब्रें पलटी जा रही है, बदबू आ रही है, वो मसला यहाँ ना, उस मसले को अवॉइड करने के लिए हमने जगह अपने कब्र रखी थी। अब हमने बाकायदा उसके अलाटमेंट के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी को अपलेक्शन की है, कलेक्टर ने जो तहसीलदार के थ्रू सब वो जो है सर्कल तक भेज दिया है, बाकायदा उसकी कार्रवाई जो कुछ उनके वो हो रही है। और उम्मीद यही है कि जमीयत मुस्लिमीन जो उस कब्जे उसको कब्ज़े के लिए जो कुछ सारे कार्य पूरी कर चुकी है, शायद मिल भी जाए। अगर खुदा ना खासा किसी वजह से कोई रिकॉर्ड आती है तो हमारे लिए हाईकोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हाईकोर्ट भी प्रक्रिया कर सकेंगे इंशाल्लाह। यानी हाईकोर्ट तक जाएंगे आप? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। सुल्तान मुमरा के नाम से जाने जाने वाले सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और मस्जिद से सटे मैदान को लेकर के नया विवाद शुरू हुआ, और इस मैदान पर मनपा जो मिट्टी भरनी, चार दीवारी खड़ा करना वगैरह जैसे काम कर रही है, उस पर आपत्ति प्रकट करते हुए जमीयतुल मुस्लिमीन ने इस काम को रोकने की मांग की, और ये ज़मीन जो है उन्होंने कलेक्टर को पत्र द्वारा उनके हस्तांतरित करने की मांग की है। इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर, जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।